भैया मेरा ये क्वेश्चन है कि आज के टाइम में हर पर्सन है ना अपनी बॉडी को लेके मतलब सिक्योर रहता है कि जिम जाएं और बॉडी बनाएं, पर वो 2-3 दिन फॉलो करता है, उसके बाद वो फॉलो नहीं कर पाता है, बाद में क्विट कर देता है, बाद में वो ये भी सोचता है कि मैं कुछ सप्लीमेंट लेके अपनी बॉडी बना सकूं। तो क्या अपने ये लाइफ में जो सप्लीमेंट लेते हैं वो यूज़फुल है या शरीर के लिए हानिकारक है? तो अब ये देख लो कि जो सप्लीमेंट है, अगर सप्लीमेंट से बॉडी बनती तो गली गली में बॉडी बिल्डर नहीं घूमता क्या? सही बात है ना? सही बात क्या कि गली गली में बॉडी बिल्डर होता सिर्फ सप्लीमेंट से बॉडी बनती। तो ये सप्लीमेंट्स है ना तुम्हारी एक हद तक हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन पार्ट होता है ना वो किस चीज़ का होता है? डाइट का। डाइट हाँ, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है ना तुम्हें, वो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट किससे पूरी करनी है? डाइट से। अगर डाइट से अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो अपने को किसका सहारा लेना है? सप्लीमेंट्स का सहारा लेना है, और सप्लीमेंट्स में भी उन सप्लीमेंट्स का सहारा लेना है जो स्पेसिफिक हो, यानी कि जिसकी अपने को नीड हो। ऐसे नहीं कि सभी सप्लीमेंट लेके बैठ गए। ज़्यादातर यही होता है कि किसी ने वे प्रोटीन भी ले लिया, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, एल्कानेटाइन, सिट्रुलिन, जितने भी है वो क्या ना बहुत हेवी डोज में सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। उससे एक प्रॉब्लम होती है कि बॉडी में है ना एक डिफिशियंसी होती है और एक टॉक्सिसिटी होती है। डिफिशियंसी तो ये, डिफिशियंसी का मतलब तो ये यानी कि जरूरत से कम, और टॉक्सिसिटी का मतलब जरूरत से ज़्यादा, यानी कि अपनी बॉडी को जरूरत ही नहीं है, अपन जरूरत से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा सप्लीमेंट ले रहे हैं। अच्छा। तो उससे होगा ये कि बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, और टॉक्सिसिटी के भी अपने साइड इफेक्ट्स है, बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है। इसीलिए है ना मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्स यूज करना है, ना कि एक्सेस में। और जो बिगिनर है, जैसे शुरुआत ही कर रहे हो तुम, अभी तुमने अभी एक्सरसाइज पहले कभी नहीं की, तुम अभी शुरुआत कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है? नेचुरल डाइट के ऊपर रहना है, ना कि सप्लीमेंट्स पे डिपेंड। क्योंकि एक स्टूडेंट्स के लिए तो सप्लीमेंट अफोर्ड करना वैसे ही बहुत मुश्किल है, बहुत महंगे महंगे आते हैं वैसे भी। तो तुम्हें ध्यान इतना रखना है कि बस डाइट अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी डाइट में हाई प्रोटीन फूड होने चाहिए, और वेट गेन कर रहे हो तो अच्छा कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, सलाद होनी चाहिए, पनीर होना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर तुम नॉन वेज हो या और भी अफोर्ड कर सकते हो तो तुम एग्स भी खा सकते हो। तो ये नॉर्मल चीज़ें जो अपन मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो है कि एक्सरसाइज। अच्छा तो खा रहे हो और एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, और फिर बोल रहे हो कि मसल ही बिल्ड नहीं हो रही। मसल कहाँ से बिल्ड होगी? मसल बिल्ड का नॉर्मल प्रोसीजर यही है कि मसल ब्रेक डाउन होगा, तभी तो मसल बिल्ड होगी ना वापस, ऐसे ही थोड़ी होगी। हाँ, तो मसल बिल्ड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज के साथ में अच्छी डाइट लेंगे, तो धीरे 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 पेशेंस रखेंगे ना तो अपनी अच्छी मसल ग्रोथ टाइम लगेगा। सर इसमें ऐसा भी है ना कि मतलब एक सप्लीमेंट एक कुछ टाइम के लिए, मतलब रेगुलर तो हम ले नहीं सकते, तो कुछ एक टाइम के लिए ही तो बना सकती है बॉडी। रिक्वायरमेंट पे है ना, कि अगर मान लो तुम अफोर्ड कर सकते हो, या मान ले कि तेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है मतलब 60-70-80 ग्राम, और तुम डाइट से 50 ग्राम प्रोटीन ही ले पा रहे हो, 60 ग्राम ही ले पा रहे हो, तो तुम्हें 25 से 30 ग्राम प्रोटीन वे प्रोटीन से मिल जाएगा या सप्लीमेंट से मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारे को अगर लॉन्ग टर्म के अंदर अगर तुम्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और वो डाइट से पूरी नहीं हो रही, तो तुम सप्लीमेंट्स की हेल्प ले सकते हो। तो लॉन्ग टाइम के लिए जैसे सप्लीमेंट ले रहे हैं हम, तो उस शरीर पे कोई इफेक्ट भी होंगे ना उनके? वो रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी सप्लीमेंट हो या कोई भी फूड में भी कुछ भी तुम्हें फूड से एलर्जी हो, वो उसमें देखना पड़ेगा कि तुम्हारी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर तुम किसी भी सप्लीमेंट को ले रहे हो और तुम्हारे उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसको उसी वक्त बंद कर दो। ऐसे नहीं कि मेरे तो पैसे लग गए, अब तो मैं इसको ना खा के ख़त्म करूँगा, तो होगा ये तुम खा तो जाओगे उसके, लेकिन तुम्हारी बॉडी निपट जाएगी। सही है ना? सही है। तो ऐसा जैसे कोई सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये केवल जिम ट्रेनर के कहने से यूज़ करें, या कोई अच्छे डाइटिशियन या अच्छे डॉक्टर के पास जाके पहले पूछे कि हम लेना चाहिए हमारी बॉडी? रिक्वायरमेंट देखो ना, रिक्वायरमेंट देखो आजकल। हाँ, तुम्हें एक्सपर्ट की सलाह लेनी है, तुम्हें इतना सा तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो अपना ट्रेनर है या डाइटिशियन है या डॉक्टर जो भी है, वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर सिर्फ वो अपने फायदे के लिए तुम्हें सप्लीमेंट बेच रहा है, तो उससे ना दूर भग जाओ।
क्योंकि वो तुम्हारे को ना फिर लूट के छोड़ेगा, और सच में वो तुम्हारा भला चाह रहा है और ये बोल रहा है कि भैया इससे रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप ये भी ऐड करो, और वो तुम्हें एक्चुअली फायदा पहुंचा रहा है, तो फॉलो करो यार, क्योंकि किसी पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि तुम मतलब खुद से ही सारी चीज़ कर सकते हो, अपने को एक्सपर्ट की सलाह तो चाहिए होती है ना, जरूरी है।